फरीदाबाद पुलिस ने आज पुलिस फ्लैग डे मनाने के छठे दिन आयोजित खेलकूद कार्यक्रम व प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हुए पुलिस की स्वर्णिम स्मृतियों व बलिदानों को साझा किया। इस उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर को सेक्टर 12 स्थित स्टेडियम में विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 200 पुलिस कर्मियों ने खिलाड़ियों के रूप में भाग लिया। फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त अपराध की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से पुलिस कर्मियों की छुपी हुई प्रतिभा सामने आती है। खेलकूद में पुलिस कर्मियों को न केवल अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है बल्कि वे स्वयं को राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के योग्य साबित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस की ओर से पुलिस फ्लैग दिवस के रूप में 10 दिवसीय कार्यक्रम 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगातार मनाया जा रहा है। स्टेडियम में सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल श्री महेंद्र वर्मा ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। जो हमारा ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर से शुरू हुआ था पुलिस स्मृति दिवस से, जिसमें पूरे भारतवर्ष में करीब अब तक 35,000 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं पूरे भारत में, और इस वर्ष भी 370 के आसपास जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हीं की याद में ये पुलिस झंडा दिवस भी मनाया जा रहा है। पुलिस झंडा दिवस के उसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के ऊपर ये 10 दिन का प्रोग्राम है, जो रोज अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से शहीदों को याद किया जाता है, जिसमें हमारे ब्लड डोनेट कैंप और जो मैराथन और जो इसमें पुलिस अपने एरिया में 5 किलोमीटर पैदल गश्त करके और लोगों को इस बारे में जो देशभक्ति की भावना के बारे में और उनके द्वारा करे गए कार्यों के बारे में बता रही है। और आज भी इसमें हमारे टाउन पार्क में एक मैराथन का आयोजन हुआ था और आज दूसरा खेल प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 100 मीटर 400 मीटर रेस रखी गई थी और रस्साकसी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय आए थे उनको उसी किसान की तरफ से इनाम दिया गया है, जो हमारे पुलिसकर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें कल पुलिस की तरफ से जो बैंड है पुलिस बैंड वो बल्लभगढ़ में कल सुबह 9:30 बजे इसमें अपने देशभक्ति के प्रति जो धुन लगाएंगे और एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को जो आखिरी दिन है उस दिन को किस तरीके से उस दिन की भी अलग एक्टिविटीज है, वो एक देशभक्ति के प्रति देश भावना से उसमें फिल्में दिखाई जाएंगे डीएवी स्कूल में और इसमें अलग अलग एक्टिविटी चलती है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।